हाय गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू साइलेस एडिटिंग जोन। आज की इस वाली वीडियो में कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा, जो देखने में काफ़ी ऑसम सी लग रही है। बिल्कुल इजी स्टेप में करके दिखा दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपली हम लोगों को स्नैपसीड ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद गैलरी आपकी खुल जाएगी। आपको फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना जिसको आपको एडिट करना है। तो मैं इस वाले फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन सिलेक्ट करने के बाद सिंपली हम लोगों को साइड में पेंसिल वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद सिंपली हम लोग नीचे आएंगे। नीचे की ओर एक ऑप्शन मिल जाएगा आप लोगों को, सिंपली इस वाले आइकन पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद क्या करनी है, ऐसे ऊपर लेकर जाना है। सिचुएशन का ऑप्शन मिलेगा, फुल्ली इसे एकदम डिक्रीज कर देंगे। देन फोटो पे राइट करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद सिंपली इस वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे। व्यू एडिट पे क्लिक करेंगे, देन विग्नेट ब्रश, और फिर इस वाले आइकन पे क्लिक करके अपने फेस और जो कपड़ा है उससे इफ़ेक्ट रिमूव कर लेंगे कुछ इस टाइप से इजीली। जितना जूम हो जाए आप लोग कर लीजिएगा कुछ इस टाइप से। मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ। देन आप लोगों को साफ करने के बाद सिंपली क्या करनी है, राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फ़ोटो को सेव कर लेंगे और यहाँ से सिंपली हम लोग बैक हो जाएंगे। फिर क्या करना है, सिंपली इस तीर वाले आइकन पे क्लिक करना है और फ़ोटो को यहाँ से सिंपली शेयर कर देंगे। शेयर करने के बाद ये फ़ोटो हमारा शेयर हो चुका है, सेव हो चुका है मेरे गैलरी में। सिंपली इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और नीचे एक डबल एक्सपोजर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। देन इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फिर जो फ़ोटो को हम लोग शेयर किए हैं उसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली हम लोग इसे जूम करेंगे, ऐसे जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद कुछ इस टाइप से इस फ़ोटो को हम लोग लगा देंगे। लगाने के बाद सिंपली हम लोग इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लाइट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे और इसकी जो है थोड़ा सा इसे कम कर देंगे ओपोसिटी को, ताकि फेक ना लगे फ़ोटो। फिर राइट पे हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, फिर व्यू एडिट, फिर डबल एक्सपोजर, फिर ब्रश, फिर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसे जो है 0 रख लेंगे साइज़ को, और नीचे से कुछ इस टाइप से रिमूव कर देंगे कुछ इस टाइप से। फिर फ़ोटो को जूम करेंगे और जो मेरा मेन मॉडल है उसके शरीर से पूरा, ऐसे बॉडी से पूरा ऐसे रिमूव कर देंगे। कितना अच्छे से हो जा रहा है देखिए, ऐसे ऐसे। रिमूव करने के बाद सिंपली हम लोग राइट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ से हम लोग बैक हो जाएंगे। फिर क्या करना है, इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करनी है, डबल एक्सपोजर वाले ऑप्शन पे, और एक लाइट वाला पीएनजी है उसे हम लोग ऐड कर लेते हैं। यहाँ से ऐड करने के बाद सिंपली इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, फिर ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सिंपली राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फ़ोटो हमारी काफ़ी ऑसम हो चुकी है। और एक टेक्स्ट पीएनजी हमको ऐड करना है, पीएनजी नहीं टेक्स्ट यूज करना है, जिसके लिए इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और नीचे साइड में टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। सिंपली इस पर 2 बार टाइप करेंगे और इसे हटा लेंगे। अब लिख देंगे सिंपली हम लोग द हीरो।
लिखने के बाद सिंपली ऐसे कर देंगे, और इसे कुछ इस टाइप से रोटेट करके साइड में कुछ इस प्रकार लगा देंगे, जिससे फ़ोटो हमारी काफ़ी औसम सी लगने लगेगी। फिर राइट पे क्लिक कर देंगे, देन फोटो हमारा एक नंबर बन चुका है। फ़ोटो सेव करने के लिए इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और फ़ोटो को हम लोग यहाँ से सेव कर लेंगे। हाँ, वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।